क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन पढ़ाए हैं और ज्यादातर आईआईटी जी में मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वो नेचर ऑफ रूट्स से बनते हैं मोस्टली। बाकी हाई स्कूल और इंटर में आपका बाकी कुछ आता रहता है, फैक्टर करो ये करो सिद्धांत फैक्टर करो, बट आईआईटी में आपको ये सब क्वेश्चन मिलते हैं इसके मेंस में और वो मोस्ट ऑफ मिलेंगे आपको नेचर ऑफ रूट्स पर डिपेंड कर। अभी हम क्वेश्चन और सारे देंगे। देखिए ये पहला क्वेश्चन है द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, लीस्ट माने होता है छोटी कम से कम वैल्यू, तो ए फॉर विच द इक्वेशन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द रियल रूट। रियल रूट रियल कब मिलते हैं, रियल रूट कब मिलते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ग्रेटर देन जीरो होगा या इक्वल जीरो होगा, क्योंकि इक्वल में भी रियल होता है और ग्रेटर में भी रियल होता है, लेस में केवल इमेजिनरी होता है। ओके तो अब हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो डी बी क्या होता है आपको बताया गया है एक्स कोएफिशिएंट होता है, सी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है और सी आपका कोएफिशिएंट होता है, सबकी वैल्यू उठा के हमने यहाँ पर रखी कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेशन के बाद हमारा डी इज इक्वल टू कितना आया ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस थर्टी। ओके अच्छा भाई ये डी आ गया क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वेशन है द रियल रूट्स, सो डी इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो और डी इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो सो दिस एंड फैक्टराइज करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर करने पे हमें ये मिला a माइनस एट ए प्लस फोर इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो और इसके लिए मैंने नंबर लाइन मेथड बताया। ये नंबर लाइन मेथड क्या होता है ये हमने डिस्कस किया है, तो यहाँ पर तीन इंटरवल बनते हैं पहला दूसरा और तीसरा, इस तीन इंटरवल में हम a की वैल्यू को फाइंड करना चाहेंगे। यहाँ पर वो कहता है कि ग्रेटर देन जीरो तो मुझे ग्रेट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ मिल रही है फर्स्ट में और थर्ड में, फर्स्ट कौन सा इंटरवल आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस फोर और यहाँ पे थर्ड जो आएगा एट से प्लस इन्फिनिटी, तो हमने ये यूनियन लगा के रख दिया लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, बट कभी कभी वो आपसे यही ऑप्शन पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये इंटरवल ऑफ द वैल्यू ऑफ ए मतलब ए का कौन सा इंटरवल है, चार इंटरवल इसी टाइप के दे देगा, समझ रहे यहाँ पे जरूर उसमें लीस्ट वैल्यू चाहिए। अब लीस्ट मतलब कम से कम, तो कम से कम कौन सी पॉजिटिव, कम से कम में भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे भाई माइनस फोर तो होती नहीं और इस इंटरवल में केवल नेगेटिव वैल्यू आनी है, पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट हो रही है एट से और लीस्ट चाहिए तो एट होगा दिस विल बी एट मतलब एक ही वैल्यू एट आ जाएगी, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, दूसरा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस लॉग थ्री बेस ए इज इक्वल टू जीरो। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसने कहा है कि आर रियल रूट देन लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, अगेन मतलब इसमें भी कह रहा है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फाइंड करिए और ये रियल रूट्स हैं व्हिच हैज द रियल रूट, अगेन तो रियल रूट फाइंड करना उसमें दिया है ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन हम बाद में बता देंगे आप पहले उसको सॉल्व करिए, ऑप्शन में टिक करने के लिए बताएं मेथड कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो ऑप्शन से भी क्लियर हो जाते हैं ठीक है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना, तो टाइम चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रूबिक मेथड ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे भी देखेंगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे ठीक है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बोलिए डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी डी इज इक्वल टू तो बी की वैल्यू कितनी भाई माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर ए, ए मीन्स कितना है वन, सी मीन्स कितना है भाई माइनस का लॉग log 3a ठीक है ना, तो
अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस माइनस 4 log 3a, ठीक है। अच्छा भाई अब ये b आ गया आपका, अब आपको चाहिए क्या, इफ एज इफ रूट का रियल, इफ रूट आर रियल। अब देखिए इसके रूट कैसे हैं, रियल है, यदि रूट रियल है तो b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पे हम देखेंगे 16 प्लस 4 log 3a ग्रेटर देन इक्वल टू, आगे 15 को हम जो है ट्रांसफर कर देंगे तो 4 log 3 बेस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू -16 है, ट्रांसफर तो कर सकते हैं। अच्छा 4 का डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, तो log बेस 3a इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब क्या करेंगे, अब इस log को जैसे हटाएंगे तो log उधर जाएगा, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 टू द पावर ठीक है। अच्छा अब a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 की पावर 4, तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/81। ओके अब हमने बताया वैल्यू कौन सी चाहिए, a, a की कौन सी वैल्यू चाहिए, लीस्ट। अब लीस्ट वैल्यू ध्यान दीजिए 1/81 सबसे कम वैल्यू होगी क्योंकि a इज ग्रेटर देन इक्वल 1/81, तो a की वैल्यू इससे ज्यादा मिलेगी, कम नहीं मिलेगी, मिलेगी कम, क्यों भाई, ग्रेटर a ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है 1/81, यदि a ग्रेटर और इक्वल भी लगा तो इसके इक्वल भी और इससे ज्यादा है, वहां वैल्यू कितनी चाहिए, लीस्ट कौन सा आएगा 1/81। सो a की फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी 1/81, पॉजिटिव वैल्यू b नहीं कहा उसने, इसमें तो उसने कहा था कि लीस्ट वैल्यू ऑफ a, लीस्ट वैल्यू ऑफ a नॉट पॉजिटिव क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, एक्सपोनेंशियल लॉग हमने जब एक्सपोनेंशियल में डाला तो संकल कैसे ध्यान देंगे कि डेटा रहने पर ये सब सेम ही करना होता है, नहीं असंका हम बताएंगे आपको, असंका जो है इस लॉग को चेंज करने पर नहीं चेंज होती है। अच्छा ठीक है हम बताएंगे चेंज कहाँ होती है, तो बोथ साइड माइनस को मल्टीप्लाई करें, हां जी जी और क्या होती है, हां और भी होती है, डिवाइड करेंगे माइनस का तो एक ही चीज होगी, समझ रहे हैं, कभी कभी उसको रिवर्स करेंगे जैसे 2 इज ग्रेटर देन 1/3, अब इसको रिवर्स करिए तो संख्या भी चेंज हो, तो ऐसे कई अभी पॉइंट बताएंगे हम उसमें संख्या में, जब संख्या में नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो गया सबका,
करते हैं तो फिर से रियल हो। क्वेश्चन चेंज होगा, कह रहा है cos t माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है cos t माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस cos p x प्लस प्लस cos p इंटू ये x अलग है प्लस sin p इज इक्वल टू जीरो हैज द रियल रूट देन p बिलोंग्स टू हैज द रियल रूट p बिलोंग्स टू मतलब ऑप्शन में आपको दिया गया है कि p बिलोंग्स टू इंटरवल जीरो से पाई है पाई बाई टू से पाई है माइनस पाई से पाई बाई टू है इस टाइप से जीरो से पाई बाई टू है थ्री पाई बाई टू से पाई मान लो या टू पाई मान लो कुछ भी मान लो आपके पास मान लो ये तीन चार इंटरवल उसने दे दिए और कह रहा है इस इक्वेशन ये इक्वेशन इन एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स विच है रियल रूट वास्तविक मूल रखता है तो फिर आपको बताना है कि जो p है वो इन किसी इंटरवल में बिलोंग करता है तो अवश्य हम जो अभी तक करते थे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इसका डिस्क्रिमिनेंट जी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो तो अब ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो में भी कितना है बेटा cos p का स्क्वायर cos स्क्वायर की माइनस फोर ए ए मीन्स कितना है cos p माइनस वन इंटू सी मीन्स कितना है sin p और इज ग्रेटर इज इक्वल टू क्या होगा जीरो तो देखिए भाई और कोई बताने का कष्ट करेगा cos स्क्वायर p हमने माइनस कॉमन लिया तो प्लस फोर ब्रैकेट में वन माइनस cos p और इंटू sin p ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो यदि कोई कॉन्सेप्ट किसी का दौड़ रहा है तो कोई बता सकता है कि क्या करेंगे इसके आगे बेटा कोई बोल सकता है देखिए ये सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाए आप उसके इंटरवल गुजरा है ना तो आप इंटरवल पर जाएगा आपको इंटरमीडिएट का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं देना है आपको थोड़ा सा देखना है कि इंटरवल पूछ रहा है और साइन और कॉस के बारे में प्रॉपर्टीज ऑफ द साइन एंड कॉस विच लाइज बिटवीन साइन एंड कॉस विच लाइज बिटवीन तो देखिए साइन और कॉस दोनों क्या होते हैं माइनस वन और प्लस वन के बीच होते हैं ठीक है अच्छा ये देखिए कॉस स्क्वायर पी तो हमारा पॉजिटिव ही है कुछ भी वैल्यू आ जाए क्योंकि cos p की वैल्यू नेगेटिव होगी स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगी जीरो से वन ठीक है ना cos स्क्वायर p की वैल्यू जीरो से वन हो जाएगी तो हमें तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो मैं रही है p का कुछ भी मान रखो नो प्रॉब्लम आगे आएंगे अब इसमें cos p वन माइनस cos p तो cos p की वैल्यू नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव आ जाएगा और यदि cos p की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो कहां तक जाएगी प्लस वन तक अब मैक्सिमम प्लस वन होगा तो जीरो हो जाएगा और जीरो हो जाएगा तो इंटू जीरो दिस इज इक्वल टू जीरो विच इज रियल मतलब ये भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर बचा कौन साइन पी तो मैं कहूंगा कि साइन पी यदि ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो हो जाए बताइए पी इसमें क्या होगा पी होगा जीरो से पाई जीरो से पाई में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है कि नहीं होता मगर जीरो पे साइन जीरो पे जीरो हो जाएगा और साइन पाई पे भी जीरो हो जाएगा ठीक है ना तो हम कह सकते हैं कि जीरो से पाई जीरो भी देना है तो साइन जीरो जीरो लेकिन देखिए यहाँ पे जीरो यदि हम लेते हैं तो ध्यान दीजिए कॉस जीरो कितना होता है वन वन माइनस वन जीरो ठीक है जीरो हो जाएगा और यहाँ पे कॉस जीरो कितना होता है वन
वन होता है, जीरो से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका ये इंटरवल आएगा इसमें जीरो से पाई डिग्री, हाँ जीरो भी ले सकते हैं। तो क्लोज इंटरवल यदि है तो क्लोज इंटरवल देखेंगे, इसमें इसमें दिया है ओपन इंटरवल जीरो से टू पाई, माइनस पाई से जीरो, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ओपन इंटरवल दिया है सभी में। तो जीरो से पाई, समझ रहे, जीरो से पाई रियल रूट कह रहा है पी बिलोंग टू द इंटरवल। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि साइन में यदि हमारा मान जीरो से पाई है और जीरो से पाई से ज्यादा हो जाए साइन तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन का जो ग्राफ होता है ये होता है साइन ऐसे स्टार्ट होता है, ये जीरो और ये पाई, यहाँ पे पाई बाय तो ये मैक्सिमम होता है। अब इसके बाद ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे। अब नीचे कैसी मिलेगी, कॉस में आप क्या करते हैं, कॉस में यहाँ से आते हैं, ये प्लस वन होता है मैक्सिमम जीरो पर, और यहाँ पर ये पाई बाई टू होता है, कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, समझ रहे। ये इसका ग्राफ होता है, उसको लेकर के हम लिखते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, बस इसमें एक इंटरवल चेक करना है। हो गया भाई सबका, नेक्स्ट क्वेश्चन केवल ऑप्शन पे क्लियर होगा। मैं लिखता हूं, मैंने उसका जो है नेचर ऑफ रूट्स वो उसका जिक्र किया था, तो उस इक्वेशन को हम जो है विद ऑप्शन लिखते हैं, आप लोग पकड़ पाते हैं या नहीं। तो कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी then में ऑप्शन ए आएगा बी कॉमा सी इज इक्वल टू जीरो, बी ऑप्शन आएगा सी इज इक्वल टू जीरो, और सी ऑप्शन आएगा ए इज इक्वल टू जीरो, और डी ऑप्शन है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो। कितने लोग बता रहे, आप इसको केवल पढ़ना है और आंसर टिक करना है। मैंने लास्ट नेचर ऑफ रूट्स का लास्ट पॉइंट बताया था, लास्ट पॉइंट क्या था कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन टू रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जानते हैं कि दो ही रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक माने टू, दो रूट्स। अब मैंने उस समय उस पॉइंट पे लिखवाया था कि मोर देन टू रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज एन आइडेंटिटी एंड ए बराबर इक्वल बी इक्वल सी इक्वल टू, मतलब जब एक्स की दो से ज्यादा वैल्यू हो जाए। अब इसने कहा ये सैटिस्फाई द एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, अब एवरी वैल्यू का मतलब क्या हुआ, एक्स के सभी मानों को सैटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब एक्स के बहुत सारे मान हो सकते हैं, ठीक है ना, दो से ज्यादा हो सकते हैं एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कब सैटिस्फाई करेगा, जब चौथी कंडीशन डायरेक्टली आप द्वारा, समझ रहे, बाकी वाले इसको सॉल्व नहीं करना, नोट कर लेंगे इसको।
कर लेंगे, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपने कहा था कि जरा एग्जाम्पल दे दीजिएगा जो हमने लिखवाए थे, है ना। तो एक एक एग्जाम्पल लगभग हम उसका जो है प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट है दूसरा वाला, इसको नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर और इंटीजर, इफ ए एंड बी आर और इंटीजर, और इंटीजर देन द रूट ऑफ क्वेश्चन, then the roots of equation root of equation है आपका 2ax square plus 2a plus b into x प्लस बी इक्वल जीरो, प्लस बी इक्वल जीरो वेयर ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन रेशनल रूट्स हैं कि दूसरा इरेशनल रूट्स हैं, नॉट जीरो है या नन ऑफ बी, मतलब इसके रूट बताना है रेशनल है इरेशनल है या इक्वल है या नन ऑफ बी, कोई नहीं समझ रहे हैं। तो अब आपको देखना है भाई इसके रूट्स कैसे हैं, इट मींस आप किसको निकालेंगे, एक ही चीज है जिसके बनाए विव्यक्तिकर को निकालिए और विव्यक्तिकर को देखिए कि वो कैसा है, समझ रहे हैं। जीरो से कम, जीरो से ज्यादा, जीरो के बराबर, ये तीन तो आप लोग शुरू से लगा के अभी तक करते आए, हाई स्कूल से लगा के ये तीन कंडीशन आप लोग हाई स्कूल से लगा के अभी तक करते आए हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल जीरो और लेस जीरो, इसके आगे नहीं गए, नहीं गए ना। अब इसके आगे भी मान लो तीनों में से कुछ नहीं है फिर, तो फिर आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने बताया था आपको डी की वैल्यू निकालिए, डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इज इक्वल टू कितना है भाई, यहाँ बी, अब ये बी मैच कर रहा है लेकिन उससे मतलब नहीं है, अपना बी अलग है कंपेयर वाला, ठीक है ना। So, B जो है कितना हो जाएगा 2a plus b का whole square minus 4a means 2a, a means 2a और c means कितना होगा भाई b, ठीक है। अभी हमें नहीं पता क्या है लेकिन हम केवल डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, whole of square ब्रेक कर सकते हैं तो कर लें, कितना आ जाएगा 4a square plus b square plus 4ab, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 8ab, ओके। तो दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 4ab, ठीक है। अच्छा भाई ये तो बन रहा है क्या 2a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर, इट मींस परफेक्ट स्क्वायर। मैंने एक कंडीशन बताई थी, जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके रूट्स कैसे होते हैं भाई, रेशनल, देख के बोलना है ना। इसका मतलब कि आप लोग होमवर्क सही से नहीं करते, हमने नेचर ऑफ रूट्स की 6-7 पॉइंट लिखवाए थे लेकिन अभी भी देख के बोलने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये इज परफेक्ट स्क्वायर, हम कहेंगे ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर, जानते हैं पूर्ण वर्ग क्या है ये पूर्ण वर्ग, जब भी डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बनता है और ए बी सी जो भी ए बी है इसमें विच आर रेशनल, तो उसने कहा और इंटीजर, क्या कहा ए एंड बी आर और इंटीजर, और सभी इंटीजर्स क्या होते हैं रेशनल, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल बट
आर रेशनल आर नॉट इंटेलिजेंट। तो अब यहाँ पर देखते हैं एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम आर बंद करके टिक किसमें लगाएंगे, रूट्स आर रेशनल, रूट्स आर रेशनल, चार ऑप्शन होंगे, चार में रेशनल वाले को टिक करते हैं। इसमें रूट्स ही ऐसे दिए हैं, रेशनल इरेशनल नॉन रियल और नन ऑफ दी, ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। हो गया बेटा सभी का। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा, लिखना चाहेंगे तो लिखे, पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा, ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल, इंटीग्रल का इंटीग्रल से मतलब होता है इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस 11x एंड प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 हैज रेशनल रूट, देखिए अब उसने कहा है रेशनल रूट हमारा है ना। अब रेशनल रूट्स हैं, रेशनल कब होते हैं, जब डी परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो फिर हमें डी निकालना है और डी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है किसकी वैल्यू के लिए, अल्फा की वैल्यू के लिए, कितनी वैल्यू मिलेगी नंबर ऑफ, तब तो चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू लेना है, कितनी अल्फा की पॉजिटिव वैल्यू है जिनके लिए डी क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक। तो वेरी सिंपल, तो अब हम देखेंगे इसको हम डी निकालेंगे इससे सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, सो b मींस कितना है माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 6, c की वैल्यू कितनी है अल्फा, सो माइनस 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, ठीक है, माइनस 4 6 24 अल्फा, ये आपका d हो गया। अच्छा भाई अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है लेकिन अल्फा की वैल्यू के लिए, और वो भी पॉजिटिव है, अल्फा कहां से स्टार्ट करें, अल्फा कहां से स्टार्ट करें, 1 से, अल्फा कहां से स्टार्ट करें, 1 से रखना स्टार्ट करिए। अब यहां पे देखता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू 1 तो b इज इक्वल टू क्या होगा 121 में 24 सब्ट्रैक्ट करिए कितना आएगा 97, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये अल्फा की वैल्यू नहीं ली जाएगी, मतलब अल्फा इक्वल टू 1 नहीं होगा, सो अल्फा इक्वल टू 2 रखा हमने, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 2, मींस क्या हो जाएगा 24, 24 दुनिया 48, तो 1 से 21 में 48 घटा दीजिए कितना बचेगा, ये 11 11 में आ गए 3 है, क्या ये है
ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी अल्फा की वैल्यू नहीं हो सकती। नेक्स्ट अल्फा इज इक्वल टू 3, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 ज्यामितियां 72, 120 में क्या करना है 72, 11 में 2 का कितना बचेगा 14 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। दिस इज कॉल्ड सेवन का स्क्वायर, एक ये वैल्यू हमारी मिल गई, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद अल्फा इज इक्वल टू कितना 4, तो d इज इक्वल टू क्या मिलेगा 121 माइनस 96 आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू, बोलिए कितना बचा 25 का 5 का स्क्वायर। ये भी बेटा जो है अल्फा इज इक्वल टू 4 भी क्लियर हो गई, दो वैल्यू हो गई, टाइम लगी है फिर अब रखते जाएंगे जब तक हमें जो है मिलता जाएगा। फाइव रखेंगे तो कितना आ जाएगा 24 कम होता है 120, 1 आएगा, 1 तो ऑपरेटिंग परफेक्ट स्क्वायर होता ही है, ठीक है। अब हम लेते हैं तो नेगेटिव आ जाएगा, और यदि नेगेटिव आएगा टी का मान तो वैसे ही चेंज हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आई 3, 4 और 5 टिक करेंगे कि तीन वैल्यू होंगे ऐसा जिन पे हमें क्या मिलेंगे परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, और रूट्स कैसे होंगे रेशनल, रूट्स कैसे होंगे रेशनल, रेशनल रूट तभी ये रखेगा जब अल्फा की वैल्यू क्या क्या होगी 3 होगी 4 होगी और 5 होगी, तब इसके रेशनल मिलेंगे, अदरवाइज रेशनल नहीं मिलेंगे। ऑप्शन में आप तीन भी पूछ सकता है, अल्फा के तीनों मान भी निकलवा सकता है, ठीक है, कुछ पूछ सकता है। अब इतना ही वैल्यू चेक करना है, इसमें इसके बाद नेगेटिव हो जाए। इंटीग्रल वैल्यू में जीरो नहीं रहता क्या, जीरो नहीं रहता क्या इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल क्या होता है, पॉजिटिव इंटीग्रल का मतलब होता है धन पूर्णांक, और धन पूर्णांक का नाम एक काट करते हैं, एक से जीरो का धन होता है ना ऋण होता है, वो बात ही होता है, लेकिन इंटीग्रल में आपको कहेंगे टोटल इंटीग्रल तो कब आ जाएंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल वन से स्टार्ट होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर ये तो से स्टार्ट होगा, नॉन नेगेटिव कहेंगे या हिंदी में कहेंगे ऋणेतर, क्या ऋणेतर पूरा कहां से स्टार्ट होगा जीरो से, ऋण से ज्यादा अब ऋण से अधिक क्या होता है जीरो का, समझ ना। आप लोग केवल वर्क नहीं करते हैं बस, याद याद करें तो क्या है जा उससे थोड़ा सा कंप्लीट करें, हो गया सबका नोट हो गया, तो और कुछ सम टाइप एक क्वेश्चन और लेना चाहते हैं किसी टाइप का पर्याप्त हो जाएंगे, हम ठीक करें तो हम आप कर सकते हैं, इरेशनल वाला नहीं मिला दिया, इरेशनल वाले भी होते हैं लोग, चलिए एक हम ये ले लेते हैं, कहता है x² - 8x बात करते हैं इसको, क्वेश्चन दिया है x² - 8x आपसे करके दिखा सकते हैं, x² - 8x + a² - 6 + a² - 6
सिक्स ए इज इक्वल टू जीरो, इक्वालिटी की इक्वेशन है और उसने इसमें कहा है विच हैज द रियल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए मींस इंटरवल ऑफ ए, लाइज बिटवीन ए, समझ रहे हैं। तो हमें जो है इसकी वैल्यू बताना है ए की, और ए की वैल्यू इंटरवल में बताना है, हाँ समझ रहे हैं। तो अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, क्योंकि रियल रूट्स हैं ग्रेटर इक्वल जीरो, आप जानते हैं ग्रेटर इक्वल जीरो है तो फिर इनइक्वालिटी बनेगी, इनइक्वालिटी बनेगी तो ए में क्वाड्रेटिक तो नहीं है, है ए क्वाड्रेटिक भी है तो ए क्वाड्रेटिक होगा, और क्वाड्रेटिक होगा तो नंबर लाइन को यूज करना पड़ेगा जो हमने इससे पहले किया, नंबर लाइन से हम एक ही वैल्यू बता सकते हैं कहां से कहां तक होगी। तो हम इसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो डी कह सकते हैं ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो होता है क्योंकि रियल रूट्स हैं विच हैज रियल रूट्स, तो रियल रूट्स के लिए डी ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो, यहां पर से हम जो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो, एक बार दोबारा समझ लेंगे, बी का मान कितना भाई है माइनस एट का स्क्वायर माइनस फोर ए मीन्स कितना है वन, सी मीन्स कितना है ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए, और ग्रेटर इज इक्वल टू क्या जाएगा जीरो, ठीक है। तो यहाँ देखिए एट का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटी फोर, और यहाँ माइनस फोर का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का फोर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 24 है ग्रेटर इज इक्वल टू क्या होगा जीरो। अच्छा हम बता देते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ए स्क्वायर नेगेटिव खत्म करने के लिए हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा बोथ साइड हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 ए स्क्वायर माइनस 24 है और माइनस 64 इज लेस इज इक्वल टू जीरो आ गया, अच्छा भाई 4 से डिवाइड भी हो जाएगा ये, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 6 ए और माइनस कितना हो जाएगा 16, तो ये आएगा 16 इज लेस इज इक्वल टू जीरो, फैक्टर करेंगे इसके हम 8 और 2 यस, तो ए स्क्वायर माइनस का 8 ए प्लस का कितना 2a-16a=0, यहाँ पे a कॉमन लेंगे हम तो क्या आ जाएगा a माइनस ए एन प्लस टू कॉमन तो a माइनस ए इज लेस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा भाई ध्यान देंगे यहाँ पे a माइनस ए और a प्लस टू इज लेस इज इक्वल टू जीरो आ गया, अब हम यहाँ पे इक्वल जीरो होता ठीक है ना, क्या करते सीधे इक्वल निकला, लेकिन इक्वल नहीं है इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है मैंने क्या बताया था आप इसमें नंबर लाइन का यूज करेंगे, ये मैंने एक नंबर लाइन बना दी, इसमें आपने देखा कि एक हमारी इक्वल करते हैं तो एट आएगा और माइनस टू आएगा, है ना, तो माइनस टू कहाँ लिखा जाएगा ये पहले, फिर कहाँ फिर एट आ जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये इधर माइनस इनफिनिटी हो जाएगा और इधर प्लस इनफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब इंटरवल में कौन सा साइन आएगा वो कैसे चेक करते हैं, सेटिस्फाई करा कर, सेटिस्फाई कराइए आप जो है माइनस टू से पहले माइनस टू से कम माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव कुछ भी रखिए, तो माइनस थ्री रख के देख लेते हैं, तो माइनस थ्री रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और दोनों माइनस माइनस तो प्लस मतलब पॉजिटिव, इट मींस कि यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, तो फिर यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्या करेंगे माइनस दो से ज्यादा रखिए, माइनस दो से ज्यादा क्या होता है माइनस एक रखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और माइनस एक रखेंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक। हम कहते हैं और आ जाइए आठ से कम ले लीजिए कितना होगा सेवन, तो सेवन यहाँ रखिए तो क्या आएगा पॉजिटिव, सेवन यहाँ रखिए तो क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा नेगेटिव, तो बीच वाला इंटरवल नेगेटिव,
आगे वाले में जाइए, 8 से ज्यादा, ज्यादा है इससे ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इट मींस पॉजिटिव। ठीक, अब आइए इनइक्वालिटी पे, कह रहा लेस देन, लेस देन मींस नेगेटिव, नेगेटिव कौन सा इंटरवल है, सेकंड, ये वाला, यहां से यहां तक। इसका मतलब a जो है, a लाइज बिटवीन ग्रेटर इज इक्वल टू -2 और लेस इज इक्वल टू 8। ये वाली बात, यदि मैं इसका इंटरवल में लिखूं तो इंप्लाई दैट a बिलोंग्स टू रोज इंटरवल -2 और 8। यस, नहीं समझ में आया, तो इसको ध्यान रखना है ये कैसे बनाते हैं, तो कैसे एक ही वर्ड में करते हैं, इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड में जाएंगे अलग से करेंगे तो बहुत बड़ा है, और जो है अलग अलग पहले हम लेस देन है तो ये एक ग्रेटर और एक लेस होगा, तो लेस होगा पूरा। ठीक है, बहुत सारे इनइक्वालिटी लगाते हैं, सब फिर आता है, तो वहां नहीं करना, नंबर लाइन का यूज करना है आपको। सभी का देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, आज का क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, ये नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन थे, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कहता है फाइंड द रियल रूट, फाइंड द रियल रूट क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, चौथा पांच में नहीं होगा, 3 to the power x ब्रैकेट के अंदर है 3 to the power x - 1 +2, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3 to the power x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 3 to the power x - 2। कह रहा है कि सेट ऑफ द रियल रूट, अब आप इसके रियल रूट्स बताएंगे, रियल रूट्स, रूट्स माने होता है इसके मूल, मूल माने होता है एक्स की वैल्यू, वास्तविक वैल्यू हमें बताना है, इमेजिनरी वैल्यू नहीं बताना। ठीक है ना, तो अब देखिए इसकी वास्तविक वैल्यू बताने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो हमें क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल है। ठीक है ना, तो अब हमें इस एक्सपोनेंशियल है तो हम लेट करेंगे यहाँ पे कि लेट 3 to the power x इज इक्वल टू y, क्योंकि x ऑलरेडी है तो y ले लेते हैं, z ले लेते हैं, u ले लेते हैं, v ले लेते हैं, कुछ भी मान लो। ठीक है ना, तो अब देखिए 3 to the power x को हमने y दे दिया, तो y को करिए यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आपका y - 1 + 2 This is equal to mod of y minus 1 and plus y minus 2. ठीक है, अच्छा समस्या फिर से आई, इसमें क्वाड्रेटिक तो बन जाएगा लेकिन ये मॉडुलस परेशान करेगा, है ना, तो मॉडुलस परेशान करेगा तो मॉडुलस को हटाना पड़ेगा, अब मॉडुलस हटेगा कैसे, हटाने का थोड़ी ना प्रकार में उसके केस आएंगे, अब केस क्या है, y माइनस वन है, y माइनस टू है, तो यहां मैं केस फर्स्ट दूंगा, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट होगा कि y इज लेस देन 1 दिया है, समझिएगा y की वैल्यू 1 से कम है, तो अब हम करेंगे इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जैसा है वैसे है, तो यहां पे लिखेंगे हम y
y माइनस वन प्लस टू दिस इज इक्वल टू इधर आ गया। अब y की वैल्यू x से कम है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा इट मींस कि यहाँ पे मल्टीप्लाई या माइनस ऑफ कर दीजिए माइनस ऑफ y माइनस वन। अब जब बेटा एक से कम है तो उससे तो कम है ही
हो गया सबका। अच्छा नेक्स्ट हम लेते हैं वाई बेडमीन वन एंड टू, ठीक है। अच्छा वाई की वैल्यू जो है यहां पर लिखेंगे वाई इज ग्रेटर देन वन देन टू के सेकंड, ठीक है। अब के सेकंड में आइए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर वाई वाई माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू, इधर ध्यान दीजिए वाई माइनस वन। अब वाई का मान एक से क्या है ज्यादा, अब एक से ज्यादा होगा तो वैल्यू कैसी मिलेगी पॉजिटिव, क्या मिलेगा यहाँ पे वाई माइनस वन रखेंगे वही उठा कर रखेंगे, इधर दो से कम तो फिर नेगेटिव तो माइनस वाई माइनस टू प्लस टू, प्लस टू कर दें वाई से वाई कैंसिल, यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई और प्लस टू भी कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह वाई का प्लस वन माइनस वाई चला जाएगा प्लस वन इक्वल टू, इसको आप इसी तरह चार सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें हमें इमेजिनरी रूट मिलने की आशा है, इमेजिनरी रूट मिलेंगे, ये रूट नोट कर लिया है। देखिए यहाँ पर हमने जो है आई की वैल्यू निकाली y = माइनस b, 1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a c अपॉन कितना 2, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना है माइनस 3 y 2। अब माइनस 3 का मतलब 1 प्लस माइनस रूट 3 i अपॉन मतलब इमेजिनरी, हमें चाहिए था रियल, इसका मतलब ये वैल्यू हमें कंसीडर नहीं करनी, ये रियल रूट नहीं है तो इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी, ये केस में हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, एक वैल्यू मिली याद रखना है, इसमें नंबर ऑफ वैल्यू बताना, नंबर ऑफ रूट बताना है, नंबर ऑफ रियल ठीक है, वास्तविक कितने रूट पर ला, एक मिल चुका है, अब ये वाला कैंसिल हो गया। नेक्स्ट अगला वाला क्या होगा, मैंने बताया था थर्ड केस हम लेंगे यहाँ, तो थर्ड केस में केवल इतना लेंगे दो से बड़ा ग्रेटर है, अब जब ग्रेटर देन टू है तो एक से तो बड़ा होगा ही, तो ये पॉजिटिव और अब दोनों पॉजिटिव, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर वाई की वैल्यू, फिर देखिए कि रियल की इमेज में समझ आया ना, करिए और दोबारा तो काम केवल किसमें टिक करेंगे, एक रियल ओनली वन रियल ओके। Of
प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो माइनस वन प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसने कहा इज लीस्ट वैल्यू इज लीस्ट टेन अल्फा, इज लीस्ट मतलब ये जो है इसकी वैल्यू क्या है लीस्ट होना चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर किसकी वैल्यू लीस्ट होना चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर किसके 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 रूट के स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए लीस्ट होना चाहिए, देन कब होना चाहिए देन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें ऑप्शन आएंगे ठीक है। इसमें ऑप्शन लिए हैं आप ये लिख सकते हैं पाई बाई फोर पाई बाई टू पाई बाई थ्री पाई बाई सिक्स, अल्फा की वैल्यू आपको दिखाना है कि पाई बाई टू हो जाए पाई बाई फोर हो जाए पाई बाई थ्री हो जाए पाई बाई सिक्स हो जाए, इन तीन चार ऑप्शन दिए गए हैं उनको आपको टिक करना है। तो अब देखिए ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसके रूट कितने होंगे, दो रूट्स कितने होंगे, दो हमने ले लिया है अल्फा पे बीटा, तो देखिए यहाँ पर लॉजिक इज इक्वेशन, तो दोबारा नोट डाउन कर लें, चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन अल्फा माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, रूट्स क्या होंगे इसके अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है अल्फा ऑलरेडी है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, आप इनका यूज नहीं ना अल्फा एंड बीटा रूट्स है तो जीरो का है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा समाभूत प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बताइए समाभूत क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए माइनस बी ऑलरेडी माइनस है तो ये मिलेगा साइन अल्फा माइनस टू अपॉन ए की वैल्यू वन अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है तो ये माइनस हो जाएगा वन प्लस साइन अल्फा अपॉन वन ठीक, तो ये मिल गया। अब हमसे पूछ क्या रहा था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट में आइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अब हमें देखना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू और कैसी आनी चाहिए लीस्ट आनी चाहिए कम से कम ठीक है, कम से कम में मैक्सिमम इनमें भी लग जाता है लेकिन यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कंडीशन आगे लगाएंगे नहीं कोई बात नहीं, तो आगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताइए क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू बीटा, ये मैंने फॉर्मूला बताया था कैसे आता है ये बताया ठीक है, होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे प्लस टू अल्फा माइनस टू अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दीजिए क्या है साइन अल्फा माइनस टू का होल ऑफ स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस माइनस प्लस वन प्लस साइन अल्फा वन प्लस साइन अल्फा ठीक है, होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए साइन साइन स्क्वायर प्लस फोर माइनस माइनस फोर साइन अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस टू प्लस साइन अल्फा ठीक है, तो देखिए आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा माइनस फोर साइन अल्फा प्लस टू साइन अल्फा माइनस का टू साइन अल्फा सिक्स और प्लस कितना हो जाएगा सिक्स, तो सिक्स में हम लिख सकते हैं प्लस वन प्लस फाइव, क्यों लिखा गया है अभी हम बताते हैं, अभी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका साइन अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फाइव ठीक है, अब लीस्ट वैल्यू के लिए ये बेटा जीरो हो जाए होल स्क्वायर है तो निगेटिव तो आना नहीं है आना तो पॉजिटिव है, अब सबसे कम से कम वैल्यू क्या आ सकती है जीरो, समझ रहे हैं यदि ये जीरो हो जाए तो इसकी पूरी वैल्यू लीस्ट हो जाएगी कम से कम आ जाएगी, हम क्या करेंगे साइन अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो अल्फा इज इक्वल टू जीरो, देखो साइन अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो साइन अल्फा इज इक्वल टू वन अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय टू, इसका मान होता है 90 का साइन 90 का मान होगा जी, कंपेयर करेंगे अल्फा पाई बाय नहीं समझ में आया यस, तो यहां तक हो गया
करने वाली बात है।